हमारी टेक न्यूज निकल कर आती है वो आती है कॉल ऑफ ड्यूटी की तरफ से। तो कॉल ऑफ ड्यूटी ने अपना ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर गेम है तो उसका टीजर है वो लॉन्च कर दिया है उन्होंने ऑनलाइन। तो जो उसके ग्राफिक्स है वो बहुत ही सुपर्ब है, तो वो बहुत ही अच्छा गेम लग रहा है मुझे। और ये जो गेम है वो हाई डेफिनेशन ग्राफिक्स के साथ लॉन्च होने वाला है, तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं इसके लिए। अगर आप इसके लिए एक्साइटेड है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और ये जो गेम है वो प्ले स्टेशन 5 के लिए लॉन्च होने वाला है, तो ये गेम बहुत ही एक्सपेंसिव साबित हो सकता है मार्केट में। और अगर आप इस गेम के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आगे की टेक न्यूज़ में आपको बताता रहूँगा। और अगली जो हमारी न्यूज़ निकल कर आती है वो आती है रेडमी की तरफ से। तो रेडमी अपना जो स्मार्टफोन है वो 2 सितंबर को लेकर आने वाला है, जो कि Redmi9A है। उसका जो पोस्टर है वो ट्विटर पर ट्वीट कर दिया है उन्होंने। तो जो उसके फीचर्स है, उसके हाईलाइटेड फीचर्स हमें देखने को मिले थे उसमें, तो ये हमें स्नैपड्रैगन G25 देखने को मिलेगा इसमें। और 13 MP का जो हमें सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा, और जो इसमें बैटरी देखने को मिलेगी वो हमें 5000 mAh की बैटरी इसमें देखने को मिलेगी। और इसके जो बाकी फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये हमें किस प्राइस पॉइंट पर देखने को मिलेगा, तो ये 9 से 8 हज़ार के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा जो Xiaomi की दूसरी खबर निकल कर आती है तो वो आती है कि उन्होंने अपना जो अंडर डिस्प्ले जो कैमरा है तो वो सक्सेसफुली उन्होंने अभी उस पर कामयाबी हासिल कर ली है। तो वो अभी 2021 में लाने वाले हैं ऐसे स्मार्टफोन्स जो कि अंडर डिस्प्ले कैमरा के साथ आएंगे। और ये जो कैमराज है वो बाकी सारी कंपनीज भी इस पर काम कर रही है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि हमें कैमराज अब स्क्रीन पर नहीं स्क्रीन के अंदर होंगे, तो हमें स्क्रीन पर क्या डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, काले रंग का जो डॉट होता है नॉर्मल से वो हट जाएगा। और जो हमारी दूसरी न्यूज़ निकल कर आती है वो आती है जियो की तरफ से। तो जियो के साथ बहुत ही बुरा अभी हो रहा है कि जियो मार्ट की ये जो अभी वेबसाइट्स हैं फेक वेबसाइट्स, तो वो अभी मार्केट में बहुत ही धूम मचा रही है क्योंकि वो सबको लूट रहे हैं स्कैम कर हैकर्स और स्कैमर्स, तो ये एक बहुत ही बुरी बात है। तो उन्होंने सबको अवेयर करने को कहा है और उनकी जो सारी वेबसाइट्स हैं वो फेक वेबसाइट्स, तो वो उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट कर दिया है कि इनसे अवेयर रहें, और कभी भी अगर पेमेंट कर रहे हो तो इन सब की बारे में अवेयर रहें। और हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है जो मैं अभी आपको इमेज में बता रहा हूँ, तो वो वेबसाइट्स ही आप यूज़ करना प्रीफर करिए। और जो दूसरी खबर निकल कर आती है वो आती है पबजी की तरफ से। तो पबजी लाइट का जो कॉन्टेस्ट है तो उसकी रजिस्ट्रेशन 24 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है और 30 अगस्त उसकी जो लास्ट डेट है। तो ये कॉन्टेस्ट है तो इसमें हमें जो प्राइस देखने को मिलते हैं तो वो इसमें प्राइजेस 50,000 से स्टार्ट होते हैं, तो 5 लाख तक जाते हैं। तो अगर आप इस कॉन्टेस्ट को जीतते हैं तो आप प्राइज भी जीत सकते हैं इन सारे प्राइजेस को, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना हो तो आप कर सकते हैं, ये रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है। और दूसरी जो हमारी खबर निकल कर आती है वो आती है टिकटॉक की तरफ से। तो टिकटॉक को अभी माइक्रोसॉफ्ट ओन करने वाला है, ऐसी कुछ खबर आई है US में। तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ दूसरी भी कंपनी का नाम जोड़ा गया है जो कि वॉलमार्ट है, जो कि इंडिया में फ्लिपकार्ट को ओन करती है अभी। तो वो दोनों मिलकर अभी 1.5 लाख करोड़ में जो है वो टिकटॉक को ओन करने वाले हैं, एडॉप्ट करने वाले हैं US में। तो US में टिकटॉक वापस आ सकता है, तो इस तरह से हम माने तो हमारे इंडिया में भी टिकटॉक वापस आ सकता है। तो ये आज की दूसरी जो तीसरी न्यूज़ है। और जो हमारी अगली न्यूज़ है तो वो निकल कर आती है Realme की तरफ से। तो Realme का जो 7 सीरीज़ का जो स्मार्टफोन है तो उसके जो स्पेक्स है वो बाहर आ चुके हैं। तो मुकुल शर्मा ने ट्वीट कर बताया है कि इसमें हमें हीलियो G95 देखने को मिलेगा, तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। और इसमें हमें 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा और 64 MP का क्वाड कैमरा सेटअप, और आगे की तरफ हमें 16 MP का जो सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, और इसमें हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा। और इसका जो 2 वेरिएंट हमें देखने को मिलेंगे इसमें 6128 और 664 और 8128, ये 2 वेरिएंट हमें देखने को मिलेंगे। और इसमें हमें 33 वाट का जो चार्जर देखने को मिलेगा, और इसका जो प्राइस हो सकता है तो वो हमें 15,000 से 17,000 तक इसका प्राइस हमें पड़ सकता है। और जो 7 प्रो है तो इसमें हमें थोड़े ही फीचर्स अलग देखने को मिलेंगे, जैसे कि इसमें जो प्रोसेसर है वो हमें स्नैपड्रैगन 720G देखने को मिलेगा, तो जो पहले 6 प्रो में था वही हमें 7 प्रो में देखने को मिलेगा।
और इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा वो हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, और बाकी जो फीचर्स है वो एक जैसे ही होंगे इन दोनों में। और इसमें हमें सोनी का सेंसर देखने को मिलेगा कैमराज में। और दूसरी जो खबर निकल कर आती है रियलमी की तरफ से, तो वो आती है X7 प्रो की, प्रो की जो खबर निकल कर आती है, तो वो जो स्मार्टफोन है वो भी चाइना में लॉन्च हो चुका है। तो ये स्मार्टफोन है तो इसकी प्राइस हमें 25,000 तक मानी जा रही है अभी, 6128 वाला जो वेरिएबल है इसका। तो इसके जो इसमें हमें प्रोसेसर देखने को मिलता है तो वो डायमंड सिटी 1000+ मीडिया टेक का जो प्रोसेसर है वो हमें देखने को मिलता है। और इसमें हमें 32 मेगापिक्सल की जो सेल्फी देखने को मिलती है, और 64 MP का जो क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है वो बहुत ही सुपर्ब है। और इसमें हमें 120Hz की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम दूसरी न्यूज़ की बात करें तो वो आती है OnePlus की तरफ से। तो OnePlus का एक बहुत ही बुरा डिसीजन जो कि है लोएस्ट बजट वाला स्मार्टफोन निकालने का, इसमें हमें 13 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जो कि OnePlus क्लोवर के नाम से लिस्ट हुआ है अभी। और इसमें हमें स्नैपड्रैगन 460 देखने को मिलेगा, और 6000mAh की बैटरी भी देखने को मिलेगी। और इसमें हाँ ये HD+ डिस्प्ले के साथ आएगा, और ये हमें 10,000 से 12,000 के आसपास इसकी प्राइस हो सकती है। और इसमें हमें एंड्रॉयड ऑक्सीजन देखने को मिलेगा OS, जो कि इसका एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़ा सकता है अच्छी तरह से। तो बस आज की न्यूज़ में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन ग्रेट डे, ओके देन, बाय।